भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है अरुणाचल का अर्थ है उगते सूर्य की भूमि इस प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम दक्षिण पूर्व में नागालैंड पूर्व में म्यांमार पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत चीन से मिलती हैं ईटानगर इस राज्य की राजधानी है अरुणाचल प्रदेश में दो लोकसभा सीटें हैं अरुणाचल पूर्व और अरुणाचल पश्चिम 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही सीटें बीजेपी ने जीती थी अरुणाचल पश्चिम से सांसद हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस सीट से ये तीन बार चुने जा चुके हैं साल 2004, साल 2014 और साल 2019 में बीते कुछ वर्षों से नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की प्राथमिकता बन गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्यों में यह मंशा साफ झलकती है और इस बाबत उनका भरोसा भी सांसद और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पर कायम है नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की प्राथमिकता बन गया अब कल्चर हो या एग्रीकल्चर कॉमर्स हो या कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर की आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल की हो पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है किरण रिजिजू को देश में नॉर्थ ईस्ट का एक प्रतिभाशाली युवा चेहरा माना जाता है वर्तमान केंद्र सरकार में इनको आज अच्छा अनुभव हो चुका है गृह राज्य मंत्री खेल युवा मंत्री और कानून तथा न्याय मंत्री के पद को सुशोभित कर चुके किरण रिजिजू इस समय केंद्र में पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अरुणाचल पश्चिम लोकसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा होता है पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहां चुनौतियां भी कम नहीं है चीन के साथ लगे इस प्रदेश में दशकों पुरानी नीतियों को बदल भारत अब बड़े पैमाने पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और बढ़ाने पर जोर दे रहा है जिसमें रेल और एयरपोर्ट निर्माण शामिल है अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है यहाँ के हरे पहाड़ और कुमावदार मार्ग अतिथियों का मन मोह लेते हैं टूरिज्म सेक्टर में विकास की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए सरकार कई प्रोजेक्ट्स ला रही है राज्य में कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़ सैलानी कहीं भी जा सकते हैं बॉर्डर एरिया में बसे गांवों के विकास के लिए सरकार ने हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है ये तो रही राज्य की बात चलिए अब आपको किरण रिजिजू के संसदीय क्षेत्र में लिए चलते हैं जानते हैं कि इस सीट पर विकास किस गति से हो रहा है और क्या कुछ किया जाना है आगे क्या उम्मीदें की जा सकती हैं सर स्वागत है आपका संसद टीवी पर सर हम उस सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं मुझे लगता है कि अरुणाचल ने शायद सालों बाद एयरपोर्ट भी देखा और ट्रेन का सफ़र भी देखा लेकिन आपके पास उस सीट से तीन टर्म का अनुभव है आप खुद को कितना नंबर देते हैं कितने संतुष्ट हैं आप अपने काम से नहीं मैं तो ये नंबर देने का तो कभी सोचा नहीं है लेकिन मैं जब पहली बार सांसद बने थे 2004 में जी। तो मेरा अपना गांव जहां मेरा जन्म हुआ वहां भी पैदल जाता था और अरुणाचल में लगभग 60 प्रतिशत गाँव में भी गाड़ी के लिए सड़कें नहीं बनी थी और एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन ये सब तो बहुत दूर की बात है कई जगह में तो घोड़ा चलने के लिए भी सही रास्ता हमारे पास नहीं थे और बहुत ही डिफ़िकल्ट कठिन कॉन्स्टिटुएंसी है भारत में सबसे कठिन कॉन्स्टिटेंसी मेरा है मेरे लोकसभा क्षेत्र में तैंतीस विधानसभा सेगमेंट हैं और एक एक विधानसभा का जो तकलीफ़ें हैं वो कई राज्यों से भी बड़ा है हमारे एक एक विधानसभा सेगमेंट में है बहुत सा लोग तो समझ नहीं पाएंगे अरुणाचल में कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में चला गया या राज्य के राजधानी में गया तो वो देखते हैं कि अरुणाचल है या एक साइड तवांग चला गया या पासीघाट गई जीरो गई एक दो जगह जाने से वो पूरा अरुणाचल पता नहीं चलेगा इतना बड़ा है और साथ साथ में इतना घना जंगल पहाड़ नदी तो हमारा अरुणाचल जैसे तकलीफ़ जगह कोई और कॉन्स्टिटेंसी और राज्य नहीं है लेकिन साथ साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत है उन वादियों के बीच नदियों के बीच उन पहाड़ों के अंदर में रह कर के काम करना अपने आप में एक अनुभव भी है इसलिए मैं मानता हूँ कि कुदरत ने हमको बहुत कुछ दिया है और कुदरत ने हमको भरपूर साधन दिए हैं जिससे हम अपना प्रदेश को विकसित कर सकते हैं लेकिन भारत सरकार का ध्यान नहीं गया 2004 के बाद में आवाज़ उठाना शुरू किया लोग देखने शुरू किया लोकसभा में आप लोगों को मालूम होगा मेरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता था और डिबेट्स में भी मेरा सबसे हाइस्ट था और 2004 से 2009 के बीच में मुझे सबसे सर्वश्रेष्ठ युवा सांसद का भी कई मीडिया वालों ने मुझे अवार्ड दिए थे तो उसके बाद उजागर हुआ फिर डेवलपमेंट का जो असली शुरुआत तब शुरू हुआ लेकिन उसका क्रियान्वित जो एजुकेशन है वो 2014 के बाद शुरू हुआ सर हम आगे बात करेंगे लेकिन अभी आपने डिबेट्स की बात की है तो आइए एक छोटी सी झलकी हम दिखाते हैं कि आपने किस तरीके से लोकसभा में मुद्दों को उठाया है फिर हम आगे बातचीत को बढ़ाते हैं अरुणाचल प्रदेश में ब्रिटिश के जमाने से कई ट्राइब्स का नाम बिल्कुल गायब करके रखा था उसको आज नरेंद्र मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के आदिवासियों को नया पहचान दिया है नया नाम दिया है तो मैं इस सदन से आदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ अरुणाचल प्रदेश के लाखों आदिवासी भाइयों और बहनों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं नॉर्थ ईस्ट आता हूँ मैं पिछले सरकार के समय में गृह राज्य मंत्री था तब तो कई हमारे आदिवासी जो छोटे छोटे कम्युनिटी होते हैं कोई कोई ट्राइबल कम्युनिटी 500-600 भी होते हैं कोई ऐसा कम्युनिटी होते हैं जो एक गांव है एक भाषा है वो अपना अलग उसका आइडेंटिटी उसका स्टेटस होते हैं और ये जो है यहाँ समझना मुश्किल है और जो ट्राइबल एरिया में जो लोग काम करते हैं उनको तो समझ होगा और भारत सरकार के लिए वो छोटा विषय हो सकता है लेकिन वो समुदाय के लिए वो सबसे सब बड़ा विषय होता है जिसको लेकर के वो दिल्ली आते हैं हमने देखा कि आपने बिल्कुल कई सवालों को उठाया है मुझे ये आप समझा सकते हैं कि जब केंद्र में आपकी सरकार नहीं थी तो क्या उस वक्त जो दिक्कतें हुई हैं उनका निपटारा हो चुका है एक क्योंकि जब तक तो एक कम्युनिकेशन नहीं होगा किसी भी सीट का किसी भी क्षेत्र का, का विकास नहीं हो सकता है तो उन चीज़ों का निपटारा हो चुका है बहुत सारा काम तो शुरू हो चुका है और काम हो चुके हैं सबसे आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या के रूप में मैं किस चीज़ को मानता हूँ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में रोड या आप मोबाइल या बाकी जो भी साधन हैं आज अरुणाचल प्रदेश का हर एक डिस्ट्रिक्ट कोटर में डबल लेन रोड बन चुके हैं और एक दो जगह थोड़ा सा बाकी है जहाँ लैंड कॉम्पेंसेशन और वहाँ काम करने में कुछ प्रॉब्लम्स आए उसके वजह से लेकिन लगभग मुझे लगता है कि 2024 तक में हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएंगे और बॉर्डर एरिया में भी रास्ता लगभग पहुंच चुके हैं कुछ गांव बचे हुए हैं वो भी अभी फाइनल स्टेज में है एक ऐसा इलाका जो सबसे बड़ा सुरक्षा के नज़रिए से सबसे खास है इम्पोर्टेंट है क्यों नज़रअंदाज़ किया गया सड़कें नहीं हैं वहाँ पर में एयरपोर्ट वहाँ पर में नहीं था क्या वजह आपको लग रही है देखिए साधन का तो हमेशा समस्या रही है लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मुझे जो लगता है वो है इच्छा शक्ति राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए क्योंकि उस समय कांग्रेस सरकार में ये सोचते थे कि अरुणाचल में बड़ा बड़ा वहाँ परियोजना लगाएंगे या सड़कें बनाएंगे उससे कुछ इनकम तो आना नहीं है तो वहाँ पॉपुलेशन कम है इतना खर्चा क्यों करेंगे ऐसा कांग्रेस सरकार का सोच रही है और दूसरा है कि वो बॉर्डर एरिया है तो कांग्रेस का ये मानना है कि ये बॉर्डर एरिया में ज़्यादा विकास करने से चाइना आकर के हमारा ज़मीन में कब्जा जल्दी कर लेंगे इसलिए रास्ता मत बनाओ ये कांग्रेस पार्टी का पॉलिसी था जिसको बाद में कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक भी किया और डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटोनी साहब ने पार्लियामेंट में भी जवाब दिया कि भारत सरकार ने जान बूझ करके वहाँ काम नहीं किया लेकिन मोदी जी ने 2014 में वो पॉलिसी बदल दिया और अब प्राथमिकता आ गया है प्रायोरिटी आ गया है तो क्योंकि अरुणाचल जैसे जगह को डेवलप करना कोई आसान नहीं है वहाँ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है और जैसे बाकी स्टेट में जो प्रॉब्लम्स है उससे कई गुना समस्याएं हमारे राज्य में हैं हमारा जो अरुणाचल प्रदेश में नॉर्मली जो ऑफिसर भी जाते हैं या सेंट्रल से जो लोग जाते हैं वो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक जाते हैं तो अंदर तक पहुँचना मुश्किल होता है तो प्राइम मिनिस्टर ने निर्देश दिया कि सबको बिल्कुल बॉर्डर जाना चाहिए जी। और अरुणाचल को डेवलप करना नॉर्मल प्रोग्राम से होगा नहीं इसलिए वाइब्रेंट विलेज का जो कंसेप्ट शुरू किया और उसको लागू भी कर दिया तो लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का जो प्रोग्राम है उसमें सबसे ज़्यादा मोर देन फिफ्टी परसेंट जो भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में प्रोजेक्ट वो अरुणाचल प्रदेश में केंद्रित है कितना विजिट करते हैं आप अपनी कॉन्स्टिटुंसी में अगर विजिट भी करते हैं तो वक्त कैसे निकालते हैं मेरे कॉन्स्टिटुंसी में टोटल सिक्सटीन डिस्ट्रिक्ट तो सिक्सटीन डिस्ट्रिक्ट तो का हर डिस्ट्रिक्ट का एक रिव्यू मीटिंग लेना ये मेरे लिए एक साथ लेना मुश्किल होता है और जैसे बाकी एम का एक डिस्ट्रिक्ट एक एम होता है हमारे सिक्सटीन डिस्ट्रिक्ट और पचास हज़ार से भी ज़्यादा हमारा स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी है मेरे प्रदेश का जोग्राफिकल एरिया बड़ा है और मेरे कॉन्स्टिटेंसी हरियाणा जितना बड़ा है तो इसलिए उसको पहाड़ है नदियां हैं जंगल है तो इसलिए एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता हूं तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट पहुंच नहीं पाते हैं और मैं एक डिस्ट्रिक्ट जाता हूं, दो डिस्ट्रिक्ट जाता हूं, तो बाकी तेरह चौदह डिस्ट्रिक्ट छूट जाते हैं तो धीरे 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 करते 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 मैं हर महीने दो बार तीन बार जाता हूं और हमारे वहां के लोग भी यहां लगभग आते रहते हैं तो आजकल थोड़ा सा और आसान इसलिए हो गया कि ईटानगर में एयरपोर्ट बन गया ईस्टर्न अरुणाचल में पासीघाट तेजू में भी एयरपोर्ट बन गया तो अब मुझे दिल्ली से ईटानगर पहुंचना आसान हो गया पहले तो गुवाहाटी पहुँचना फिर वहाँ से गाड़ी से दो दिन तीन दिन तक कभी कभी चलना पड़ता है तो आजकल आसान हो गया बाकी जो एम होते हैं क्योंकि अगर उनके पास पर कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो वो बहुत वक्त निकालते हैं जनता के साथ में इंट्रैक्ट होने का आप कैसे जनता के साथ में अपनी इंट्रैक्शन को कैसे जारी रख नहीं मेरे लिए अब बहुत आसान तरीका मैंने कर लिया है आ, क्योंकि मोबाइल फोन आ गया है मेरे पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी लगातार दौरा करते रहते हैं स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो भी प्रोएक्टिव है अभी अरुणाचल प्रदेश का स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है तो मेरे लिए अभी कनेक्टिविटी होने की वजह से दिल्ली में बैठ कर के भी मैं निगरानी करते रहता हूँ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहाँ का सीनियर ऑफिसर्स के साथ मेरा मीटिंग होते रहते हैं और चीफ मिनिस्टर कुछ भी अरुणाचल का प्रोजेक्ट दिल्ली में पेंडिंग होता है मुझे फ़ोन कर देता है मैं अपने साथी जो मंत्र मंत्री है या सीनियर ऑफिसर्स है उनको बोल के काम कराता हूँ तो दो तरीके हैं एक तो मेरा जो ऑफिशियल कैपेसिटी में मैं बहुत कुछ करता हूँ एज ए सीनियर मिनिस्टर मुझे स्कीम अप्रूव करने में फॉलोअप करने में सुविधा तो होता है लेकिन दूसरा बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकारी काम के अलावा मैंने ऐसा काम किया जो बहुत कम एमपी कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए जैसे मेरे वहाँ पे कॉन्स्टिटेंसी में हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैंने एम्बुलेंस दिया है एक्सरे मशीन दिया है और अलग अलग जगह से वो सरकारी खर्चा से नहीं जी। मेरा अपना इन्फ्लुएंस से मैं किसी कॉरपोरेशन से पैसा ले लिया किसी एन कहीं से पैसा इकट्ठा करके मैंने एक डोनेशन के रूप में भी लेता हूँ तो लगभग कोविड के समय में भी कम से कम बीस करोड़ से भी ज़्यादा पैसा एकत्रित करके हर गांव में मैंने मास्क पहुँचाया ऑक्सीमीटर पहुंचाया, एम्बुलेंस जो डेड बॉडी ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए एक्सरे के लिए मशीन चाहिए या कुछ और भी मेडिकल का चाहिए या स्कूल में गाड़ी देना है या किसी और भी चीज़ हो कई कंट्रीब्यूशन होते हैं फिर सोशल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी सी एस आर से कई जगह कम्युनिटी हॉल बनवाया है तो ओवरऑल मैंने देखा है मैं इसको ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता हूँ कि बाकी एमपी खराब पाएंगे या वो अच्छा नहीं लगेंगे क्योंकि हम तुलना करेंगे तो लेकिन लगभग तीस चालीस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जितना इकट्ठा करता है मैं दिन रात लगा के मैं अकेला इतना धनराशि एकत्रित करके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेचता हूँ वो एक्स्ट्रा करना पड़ता है क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्युंसी बहुत तकलीफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है बहुत बड़ा है स्मार्ट सिटी योजना के तहत काम कहाँ तक पहुँचा सक क्या अपडेट है आपके पास स्मार्ट सिटी के तहत ईटानगर और पासी दो टाउन हैं जो एक तो राजधानी है एक पुराने टाउन है उसको सिलेक्शन मिला ये भी यूनिक है छोटा स्टेट के लिए दो स्मार्ट सिटी मिलना वो स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है क्योंकि शुरू में प्लानिंग नहीं था ख़ास करके ईटानगर में बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करके शहर नहीं बनाया तो अभी प्लानिंग को उसमें सम्मिलित करते हुए काफ़ी अच्छा से डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन ईटानगर का जो स्मार्ट सिटी है मुझे लगता है कि और भी हम लोग को पुश देना होगा क्योंकि जैसे मैंने कहा कई लोकल इश्यूज हैं जिसके वजह से इम्प्लीमेंटेशन में कठिनाई आई प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में क्योंकि प्लान करना तो ठीक है लेकिन उसके बाद जो एग्जीक्यूशन करता है उसके लिए कई दिक्कतें आई थी लेकिन अब लगभग वो भी सुलह हो गया अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है जो रिमोट एरिया से जो विलेजेस बॉर्डर विलेजेस जो एरिया हैं उनके साथ <coughs> में कैसे आप अपना कनेक्शन बना दें क्योंकि हर पल एक अपडेट लेना सीमा से पूरा जो बॉर्डर है वो आपका जुड़ा हुआ है उसे कैसे आप डेवलप कर मैं है? बीच बीच में बॉर्डर एरिया भी विजिट करता हूँ जैसे मैंने बताया आसान नहीं होता है मौसम ख़राब होता है तुरंत पहुँच नहीं पाते हैं फिर यहाँ मेरा इतना बहुत इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी होने के नाते मैं कंटिन्यूसली पाँच छः दिन तो रह नहीं सकता हूँ एक दिन दो दिन ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन से ज़्यादा तो बैठ नहीं सकता हूँ तो तुरंत वापस आ जाता हूँ लेकिन बॉर्डर एरिया में ख़ास करके जो हमारा ऑफिसर्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं हमारे बी हैं है और कई संगठन जो काम करते हैं उनसे मेरा लगातार टच में रहते हैं अरुणाचल में मतलब अपनी सीट पर आप स्पोर्ट्स के लिए खेल जगत के लिए क्या कुछ काम आप कर रहे हैं इस समय अरुणाचल में मोदी जी का आशीर्वाद से मुझे खेल मंत्रालय को संभालने का मौका मिला तो 2019 हज़ार और 2023 अभी इसके समय में इस बीच में अरुणाचल प्रदेश को लगभग 40 स्कीम सामने दिए हैं अब हर डिस्ट्रिक्ट में आ, किसी न किसी रूप से एक मल्टीपर्पज़ हॉल या कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी बन रहा है तो पिछली सत्तर साल में 1947 से लेकर के 2019 तक जितना मिला है उससे कम से कम दस गुना पैसा ये पिछली चार साल में अरुणाचल प्रदेश को मिला है ये खेलो इंडिया प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो चलाया उसके तहत और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड भी है हमारे पास उसके तहत वैसे तो स्पोर्ट्स स्टेट का सब्जेक्ट होता है लेकिन ये एडिशनल मिला है और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया में ट्वेंटी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग चला रहे हैं उसमें ओलंपिक्स के लिए एशियन गेम्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए जो भी प्लेयर्स है वहाँ ट्रेन करते हैं सर अरुणाचल ओलंपिक संघ के आप हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं okay. मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उनसे बातचीत करते रहते हैं और अपडेट जो है वो लेते रहते हैं तो खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए आपको लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में हम वहाँ के खिलाड़ियों को देखने देखेंगे हम ओलंपिक में या फिर देश का नाम रोशन करेंगे मेरा जो टारगेट है अगले ओलंपिक्स जो पेरिस में होने वाले हैं उसके लिए कितना कर सकता वो अभी मैं कह नहीं सकता हूँ लेकिन 26 का एशियन गेम्स और 28 का जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें इतना हम कोशिश करेंगे कि अरुणाचल से कम से कम कुछ लोग जरूर भारत के लिए ओलंपिक्स में खेले मैं पूरा कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ वो जरूर प्राप्त होगा हम हमारा सपना हमारी हैं है और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित तौर से हम देखेंगे अब हम बात करना चाहेंगे सर एक तो बैम्बू बाज़ार मतलब एक बहुत बड़ा एक बाज़ार अपने आप में वहाँ पर भी हम अरुणाचल में देखते हैं तो क्या उसके लिए भी कोई आइडिया आपके पास में है या फिर आपने कुछ इम्प्लीमेंट किया है न बैम्बू के लिए तो हम लोग सबको ध्यान देना ही है क्योंकि बैम्बू तो हमारा जिंदगी का हिस्सा है बैम्बू के बिना नॉर्थ ईस्ट में जिंदगी आप सोच नहीं सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने दो में नहीं दो में बैम्बू को ट्री से ग्रास में कन्वर्ट कर दिया और बैम्बू काटना प्लांटेशन करना वो बहुत आसान हो गया तो उसको जितना जल्दी हो सके हम लोग बैम्बू को लोकल इकोनॉमी में इसको फोकस लाना और उसको सेंट्रल में लाना है तो बैम्बू बाज़ार इस तरह का जो क्वालिटी बेम्बूज़ का हमारे वहाँ पर ग्रो करना फिर उसका आइटम्स बनाना फिर मार्केटिंग करना ये सारा एक चेन में हम लोग काम कर रहे हैं और मेरे ख़्याल से बेंबू जो है अब नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं बाकी अगर मैं राज्यों की बात करूं तो वहाँ पर क्या आप मानेंगे कि अभी भी लोग उतना मतलब जो एक टूरिस्ट होते हैं उस पैमाने में वहाँ पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि शायद व्यवस्था की कमी है जो कि बाकी राज्यों में लोगों का ज़्यादा आना जाना है टूरिस्ट का दो इशू है सबसे पहला तो हमारे पास अरुणाचल में इस तरह का ढांचा नहीं है एयरपोर्ट uh, नहीं है सड़कें नहीं हैं या वहाँ उस तरीके का पर्याप्त होटल्स रहने का अवेयरनेस नहीं था ना हमारे लोगों को टूरिज्म का कंसेप्ट तो अभी पता चल रहा है जी। ये वेस्ट कामिंग में शेरगांव बमदिला, धीरांग तवांग ये इलाका में तो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं और ज़ीरो जो वैली है वहाँ भी लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हो चुके हैं अब पासीघाट साइट में भी ईस्टर्न अरुणाचल में भी अवेयरनेस आ रहा है मैं चाहता है कि ये अवेयरनेस पूरा अरुणाचल में आना चाहिए बीच बीच में हम लोगों ने टूरिज्म का सेमिनार करवाया है बहुत बड़ा समिट भी चलाया है और मैं खुद प्रमोट करते रहता हूँ अरुणाचल का कल्चर अरुणाचल का फेस्टिवल अरुणाचल के खान पान अरुणाचल का ब्यूटी ये सब को मैं खुद प्रमोट करते रहता हूँ नॉर्थ ईस्ट का फेस आपको माना जाता है तो क्या आप दबाव महसूस करते हैं क्योंकि देखिए दिल्ली में रह कर के भी आपको काम करना है अपने सीट को भी देखना है तो क्या जिम्मेदारियों का दबाव किरण रिजिजू महसूस करते हैं नहीं जिम्मेदारी को दबाव मैं नहीं मानता हूँ ज़िम्मेदारी को निभाना ये मेरा कर्तव्य है हाँ ये जरूर है कि आज सिर्फ अरुणाचल प्रदेश नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट के आठ राज्यों से जो भी मुद्दा जो भी उनका समस्याएं हैं वो लेकर के मेरे पास सबसे पहले पहुंच जाते हैं दिल्ली में और मैं एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है कभी कभी मीटिंग वगैरह मेरा होता है फिर भी छोड़ना पड़ता है अपने लोगों को मिलने के लिए मेरे यहाँ कटार लग जाता है लाइन लग जाता है घर में तो उस दृष्टि से वो वाला मेरे पास अतिरिक्त भोज यानी कि एक्स्ट्रा वर्कलोड तो है तो वो करना पड़ता है लेकिन साथ साथ में इतना बड़ा देश का मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है मैं जब बाहर जाता हूँ इंडिया से बाहर जाता हूँ और जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ और जब मैं बोलता हूँ इंडिया के बारे में बताता हूँ तो लोग जब सुनते हैं और इंडिया के बारे में मुझसे जब वो लोग काफ़ी चीज़ें सुनने को मिलता है या सीखने को मिलता है तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही और पहली बार अरुणाचल प्रदेश से भारत हमारा देश का कैबिनेट मिनिस्टर मुझे बनाया है तो पहला कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते मेरा एक बहुत ही अतिरिक्त दायित्व भी है कि मैं ऐसा काम करूं जिससे इंडिया का भी नाम बड़ा हो साथ साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश का भी नाम हो सर अंत में मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जब आप अपने क्षेत्र में जाते हैं अपने लोगों से मिलते हैं तो आप तो नहीं लेकिन जो आपकी जनता होती है वो आपसे एज ए मंत्री आपसे बातचीत करते हैं या फिर उनको लगता है कि नहीं हमारा सांसद हमारे बीच में आया हुआ है नहीं कभी कभी तो मैं मज़ाक से भी बोलता हूँ कभी कभी हमारे जो अरुणाचल के लोग बहुत सीधा होते हैं और सरल होते हैं सिंपल होते हैं तो यहाँ आते हैं मैं तो बिजी रहता हूँ हमेशा फ्री तो होता नहीं हूँ तो कभी कभी समय निकालता हूँ मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए तो जो भी आता है यहाँ घर में आ जाते हैं तो वो तो सोचते हैं कि इंडिया का मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर क्या हुआ तो हमारा एम है जब चाहे मिलना चाहिए तो सीधा गेट में आ जाते हैं और बोलता है कि हम लोग तो अरुणाचल से आया है गेट में आ गया है अब मिनिस्टर हमको मिलना है मुझे कैबिनेट मीटिंग में जाना है कॉन्फ्रेंस में जाना है कई इश्यूज़ होते हैं फॉरेन डेलीगेट्स मिलना है मुझे बाक़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग होता है तो हमारे जो सीधे साधे लोग तो वो समझते नहीं हैं वो बोलता है कि नहीं वो सब बाद में देखो पहले हम कॉन्स्टिट्यूंसी से आया है मैं तो आपका वोट दे देने वाला हूँ और आप मेरा एम है हमको पहले मिलना चाहिए तो ये सब होते हैं राजनीति में ये सब चलता है एडजस्ट करके चलना पड़ता है सर टी वी से बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद आपको और आपके टीम को भी धन्यवाद शुक्रिया सर तो हम एक ऐसे सीट के बारे में बात कर रहे थे अरुणाचल वेस्ट जिस पर सरकार का भी फोकस है क्योंकि तो सुरक्षा के नज़रिए से बेहद खास सीट है वो आज के लिए इतना ही आप आगे भी देखते रहें संसद टीवी नमस्कार